हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशी टॉप लिस्ट से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉप 10 ज़ॉम्बी मूवीज के बारे में। 10वें नंबर पर है द डेड। 2010 की हॉरर मूवी द डेड के डायरेक्टर हॉवर्ड जे फोर्ड और जॉनथन फोर्ड हैं। इसमें स्टार्स रॉब फ्रीमैन, प्रिंस डेविड ओसिया, डेविड डोंटो और बेन क्राउ हैं। इस मूवी में प्लेन क्रैश के अकेले सर्वाइवर एक अमेरिकन मर्सनरी को लिविंग डेड से फाइट करते करते अफ्रीका से भागना होता है एक गॉन्टलेट यानी कि लोहे के दस्ताने के साथ। ये मूवी पुरानी रोमियो फिल्म्स के लिए एक ट्रिब्यूट है और इस मूवी के लो बजट होने के बावजूद भी इसकी सिनेमाटोग्राफी और इफेक्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। 9वें नंबर पर है द हॉर्ड। 2009 की द हॉर्ड मूवी एक एक्शन और हॉरर मूवी है जिसके डायरेक्टर यानिक डाहन और बेंजामिन रॉशर हैं। इसके स्टार्स क्लॉड पेरोन, जीन पायरे मार्टिन्स, एरिक और ऑरेलिन हैं। इस मूवी में गैंगस्टर, कॉप्स और जॉम्बीज के बीच एंड ऑफ द वर्ल्ड का बैटल होता है और ये फ्रेंड जॉम्बी मूवी 70s की क्राइम मूवीज से इन्फ्लुएंस होकर बनाई गई है। 8वें नंबर पर है प्लैनेट टेरर। 2007 की एक्शन कॉमेडी और हॉरर मूवी प्लैनेट टेरर के डायरेक्टर रॉबर्ट रोड्रिगेज हैं। 2007 की एक्शन कॉमेडी और हॉरर मूवी प्लैनेट टेरर के डायरेक्टर रॉबर्ट रोड्रिगेज हैं और इसके स्टार्स रोज मैकगोवन, फ्रेडी रोड्रिगेज, जॉश ब्रॉलिन और मार्ले शेल्टन हैं। एक एक्सपेरिमेंटल बायोवेपन के रिलीज होने की वजह से हजारों लोग जॉम्बी जैसे क्रिएचर्स बन जाते हैं और बचे हुए सर्वाइवर्स का एक ग्रुप इस इन्फेक्शन को रोकने की कोशिश करता है। 7वें नंबर पर है रेक। 2007 की हॉरर मिस्ट्री और थ्रिलर मूवी रेक के डायरेक्टर्स जॉन बालाग्यूरो और पैको प्लाजा हैं। इसके स्टार्स मेन्युला विलास्को, फेरान टेराजा, जॉर्ज यमन सिरानो और पैब्लो रोसो हैं। इस मूवी में एक टेलीविजन रिपोर्टर और एक कैमरामैन इमरजेंसी वर्कर्स का पीछा करते हैं एक अंधेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग में और उसी समय वो वहां लॉक हो जाते हैं कुछ डरावनी चीजों के साथ। 6वें नंबर पर है डॉन ऑफ द डेड। 2004 की एक्शन हॉरर और थ्रिलर मूवी डॉन ऑफ द डेड के डायरेक्टर जैक सिंडर हैं और इसके स्टार्स सारा पॉली, विंग रेम्स, मैकी पिफर और जेक वेबर हैं। इस मूवी में एक नर्स, पुलिसमैन, यंग मैरिड कपल, सेल्समैन और बाकी के सर्वाइवर्स खुद को दुनिया में फैली जॉम्बीज की महामारी से बचाने के लिए बड़े से मिड वेस्टर्न शॉपिंग मॉल में छिपते हैं। 5वें नंबर पर है 28 वीक्स लेटर। 2007 की ड्रामा हॉरर मूवी 28 वीक्स लेटर के डायरेक्टर जुआन कार्लोस फ्रेसनाडिलो हैं। इसके स्टार्स जेरेमी रेनर, रोज बायने, रॉबर्ट कैरलाइल, हेरोल्ड पेरिन्यू हैं। इस मूवी में ग्रेट ब्रिटेन की पॉपुलेशन में रेज वायरस के फैलने के 6 महीने बाद US आर्मी लंदन के छोटे से एरिया को बचाती है और उसे रिपॉपुलेट करने की कोशिश करती है, पर तभी सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं हो पाता। इस मूवी के हॉरिफिक इमेजरी और एपोकलिप्स की दुख को ऐसे दिखाया गया है जैसे सब कुछ रियल हो और इसी वजह से इस मूवी को मोस्ट रियलिस्टिक और स्केरियस्ट मूवी माना गया है। 4वें नंबर पर है ब्रेन डेड। 1992 की कॉमेडी हॉरर मूवी ब्रेन डेड के डायरेक्टर पीटर जैक्सन हैं और इसके स्टार्स टिमोथी बालमे, डियाना पिनाल्वर, एलिजाबेथ मूरी और इयान वॉटकिन हैं। इस मूवी में जवान आदमी की मां को रैट मंकी काटता है जिससे वो बीमार पड़ने के बाद आखिर में मर जाती है और कुछ समय के बाद जब वो वापस से जिंदा हो जाती है तब कई सारे जानवरों और इंसानों को मार के खाती भी है। ये मूवी पीटर जैक्सन की अब तक की बेस्ट मूवीज में से एक मूवी है। 3rd नंबर पर है वर्ल्ड वॉर जेड। 2013 की एक्शन एडवेंचर हॉरर मूवी वर्ल्ड वॉर जेड के डायरेक्टर मार्क फ्रॉस्टर हैं और इस मूवी के स्टार्स ब्रैड पिट, मिरेल इनोस, डेनिला कर्टिस और जेम्स बैज डेल हैं। फॉर्मर UN एम्प्लॉय गैरी लेन पूरी दुनिया में घूमता है ताकि वो जॉम्बी पैंडमिक्स यानी कि महामारी को रोक सके जो कई आर्मीज और गवर्नमेंट्स को गिरा चुका है और साथ ही ह्यूमैनिटी को भी खत्म कर सकता है। 2nd नंबर पर है डे ऑफ द डेड। 1985 की हॉरर थ्रिलर मूवी डे ऑफ द डेड के डायरेक्टर जॉर्ज ए रोमीरो हैं। इसके स्टार्स लोरी कार्डेल, टेरी एलेक्जेंडर, जोसेफ पिलाटो और जैलेट कॉनरॉय हैं।
इस मूवी में मिलिट्री ऑफिसर्स और साइंटिस्ट का एक छोटा सा ग्रुप एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपे रहते हैं जब पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज हर जगह फैल रहे और लूटपाट कर रहे होते हैं। इस मूवी के क्लाइमैक्स फीचर्स शायद ही आपको किसी मूवी में दिखेंगे। और पहले नंबर पर है नाइट ऑफ द लिविंग डेड। 1968 की हॉरर मूवी नाइट ऑफ द लिविंग डेड के डायरेक्टर जॉर्ज ए रोमेरो हैं और इसके स्टार्स ड्वेन जोन्स, जुडिथ ओडिया, कार्ल हार्डमैन और मैरिलिन ईस्टमैन हैं। इस मूवी में कैरेक्टर्स के ग्रुप खुद को एक पुराने से फार्म हाउस में बंदी बना लेते हैं ताकि वो ब्लड थर्स्टी और फ्लैश खाने वाले मॉन्स्टर्स से बच सकें। इस जॉम्बी मूवी को मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हॉरर मूवी माना गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।